कई बार सुसाइड भी इसी चक्कर में होती है, पैसे नहीं है पर पार्टी करना है थ्रू, क्यों? क्योंकि मीडिया को दिखाना है कि मैं हाई क्लास सोसाइटी से हूं। घर पर भले ही किराए देने को पैसा नहीं है, बड़े बड़े होटल बुक करते हैं। यार मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहां से यहां और यहां से सीधा यहां और गायब होते हुए देखा है। हेलो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। आज हम बड़े ही खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और वो खास इंसान जिन्होंने ये कमेंट किया, उन्होंने नेगेटिव वे में किया, लेकिन मैं बड़े पॉजिटिवली उसको ले रही हूँ, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं सोच रही थी कि कहाँ से बात शुरू की जाए नए साल में, व्हाट इज़ हाई क्लास, व्हाट इज़ लो क्लास, इस पर क्यों ना बात करें, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और जिस इंडस्ट्री में काम करती हूँ वो बहुत हाई क्लास सोसाइटी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं दोनों क्लास को बिलोंग करती हूँ। किसी ने लिखा है कि रतन इंट्रोवर्ट है और वो अपने जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ही और लो क्लास सोसाइटी के साथ ही कंफर्टेबल होती है, बातचीत करती है, वो हाई क्लास सोसाइटी के साथ जेल नहीं कर सकती या नहीं कर पाएगी, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगा कि या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे शहर से हैं मेरे जैसे, उनको बुली करने के लिए या उनको डाउन करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए इस तरह की बातें कुछ लोग कह देते हैं और उसका असर हो जाता है कुछ लोगों पर। इन दोनों ही क्लास से ऊपर अपने आप को मानती हूँ जो कि दोनों क्लास को देख रहा है। इन सब पे मैं सोच रही थी कि आज बात करूँ क्या। मुझे लग रहा है हाँ हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो जाए, लेकिन ये भी लग रहा है कि अभी जो मेरे इंडस्ट्री की हालत है या कितने ऐसे केसेस हैं जिनको हम बड़े इजीली कह देते हैं कि यार सुसाइड नहीं करना चाहिए था, यार ये स्टेप क्यों ले लिया, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लोगों को हिलाकर रख देती हैं। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को या इस कमेंट को अटेंड कर रही हूँ। मैं ज़रा मामा जी को देख लूँ। मामा जी को बुलाते हैं, एक मिनट को। मामू, मामा जी, मैं आपकी भांजी वही रतन हूँ, इतना सीरियस मत होइए, क्योंकि टॉपिक बड़ा सीरियस है, आपका हंसना जरूरी है। ठीक है, जो हंसी का अवसर आएगा तो हंस लूंगा। तो बस आपको अवसर मैं तुरंत देती हूँ। बड़ी हंसी वाली टॉपिक है। किसी व्यूअर ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा है मेरे बारे में कि रतन इंट्रोवर्ट है और अपने जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ही ये बातचीत कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, और ये हाई क्लास सोसाइटी के साथ जेल नहीं कर सकती, इसे ये हाई क्लास सोसाइटी के साथ जेल नहीं कर सकती, इसलिए ये गांव में ऐसे छोटे लो क्लास सोसाइटी में ये घूमती है। अब बात ये है कि टॉपिक है कुछ खास नहीं, इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ, कर ही देना चाहिए, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस टाइप की बातों से अफेक्ट होता है, उनको बुली करने वाले ऐसे बुली करते हैं और उनको लगता है हाँ यार ऐसा सच है, और आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, कोई छोटी सी बात पे बड़ा स्टेप ले लेते हैं, तो हमको लग रहा है कि ये हम क्यों ना इस पे बातचीत करें ताकि लोगों को पता चले। इंट्रोवर्ट शब्द का जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ा ही गलत है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के मामले में इंट्रोवर्ट लोगों के कंट्रीब्यूशन इतिहास में ज़्यादा हुए हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों के तुलना में। इंट्रोवर्ट एक ही विषय में बहुत गहराई तक जाता है और आमतौर से ये पॉपुलर नहीं हो पाता है। सॉक्रेटिस जितने भी दार्शनिक हुए हैं, मनोविज्ञानी हुए हैं, कवि हुए हैं और यदि समाज सुधारक भी हुए हैं, अधिकतर क्या समाज सुधारक थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, लेकिन बाकी सब के जो मैंने गिनाया है, साइंटिस्ट जितने थे सब ग्रीक्स, जो यूनान का जो सभ्यता है वो एक्सट्रोवर्ट लोगों का कम है और इंट्रोवर्ट ज़्यादा है। तो एक्सट्रोवर्ट की सब जो कंट्रीब्यूशन होता है आता जाता है, लेकिन इंट्रोवर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो इतिहास में हमेशा बना रहता है। भारतीय ज्ञान जितना है सब इंट्रोवर्टेड ज्ञान है, एक्सट्रोवर्टेड भी है, लेकिन ये चल रहा अब तक जो चल रहा है 20,000 वर्ष की जो परंपरा चली आ रही है वो इंट्रोवर्ट के कारण है, एक्सट्रोवर्ट के कारण नहीं है। यहाँ भी सर्जरी हुई थी, दूसरे यूरोप में भी सर्जरी हुई थी और आपके मिडिल ईस्ट के कंट्री में सर्जरी डेवलप हुई थी, यहीं पर नहीं होता। आर्किटेक्चर भी सब जगह डेवलप हुआ था, यहीं नहीं डेवलप हुआ था। लेकिन क्योंकि इंट्रोवर्ट अंतर्मुखता इसमें ज़्यादा है
और अध्यात्म अंतर्मुक्ति अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी तो उसका प्रकाशन मात्र है। तो इसलिए किसी व्यक्ति का अंतर्मुखी होना, हमें सचमुच मैं स्वयं भी अंतर्मुखी हूँ और मुझे इस बात का बहुत ही प्लस पॉइंट मानता हूँ कि मैं अंतर्मुखी हूँ। आज से मैं करीब 65 ईयर्स पहले मैं एक चीज़ के पीछे पड़ा और आज भी मैं इससे पीछे पड़ा हूँ बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। तो आई हैव हाई रिगार्ड फॉर पर्सनली आई हैव गॉट वेरी हाई रिगार्ड फॉर दोज हु आर इंट्रोवर्ट, मत आई मीन प्रोपोर्शन इंट्रोवर्ट ज़्यादा हैं क्योंकि दे आर एक्चुअली द रियल जेम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मैं इसलिए ताली बजा रही हूँ मामा जी, मैं भी बजा देता हूँ। आप तो, हम लोग तो मन से बजाते ही रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बेचारे खुद को ही कहते हैं दीदी आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, मैं नहीं ऐसे। डिफरेंस, एक्सक्यूज मी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड सेल्फ सेंटर्ड। एक्सट्रोवर्ट और सेल्फ सेंटर्ड, इंट्रोवर्ट और सेल्फ सेंटर्ड तो अलग अलग शब्द है। हम सेल्फ सेंटर्ड को इंट्रोवर्ट मान लेते हैं। सेल्फ सेंटर्ड वो है मतलब अपने बारे में सोचता है, अपनी तरह से सोचता है, किसी की सुनता नहीं। ये आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा आदमी को प्रायः कह सकते हैं कि अहंकारी होता है। जो अहंकारी लोग होते हैं बाहर से कितने भी एक्सट्रोवर्ट दिखाई दें वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जबकि आपको इंट्रोवर्ट आदमी बाहर से कितना भी संकुचित दिखाई दे भीतर से बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है। जो गुण भीतर में होता है उसका उल्टा गुण बाहर में दिखाई देता है। इस प्रकार जो लोग बाहर से बड़े हंसते खेलते दिखाई देते बड़े स्मार्ट हैं, बड़ा टाई लगा के वो स्नो पाउडर पोते घूमते हैं, बड़े सामाजिक प्राणी कहे जाते हैं, जहाँ जाते हैं समाज में रौनक आ जाती है, चहल पहल आती है, वो सब असल में भीतर से उनका सोनापन है जो कि वो प्रकट होता है उल्टे तरह से दूसरे में। हमारे अंदर जो भी विरोधी जो भी तत्व होते हैं बाहरी जगत में ठीक उसका उल्टा विरोध होता है। और मॉडर्न समाज, आई विश टू पॉइंट आउट वेरी बोल्डली कि मॉडर्न समाज बाहर से एक्सट्रोवर्ट दिखाई देता है लेकिन भीतर में सेल्फ सेंटर्ड है। और आई एम टॉकिंग ऑफ द होल ग्लोब, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट ऑफ मतलब रेक्टिंग माई सेल्फ और एनीबॉडी, आई एम टॉकिंग ऑफ द होल सिविलाइजेशन बट इट अपीयर्स एक्सट्रोवर्ट बट एक्चुअली इट इज सेंट्रोवर्ट, आई मीन सेल्फ सेंटर्ड, इट इज नॉट इंट्रोवर्ट। व्हाट वी नीड प्रेजेंट एट प्रेजेंट इज पीपल हु कैन थिंक and practice and behave in a genuine manner, and only introvert person can do it, only an introvert society can do it, not a self-centered one. I don't say self-centered. There's different things that I have tried to explain to you, and in that light you consider, you will give due value, attach due value to those who looks introvert. आपने introvert और extrovert तो अच्छे से समझा दिया, मुझे लगता है जिसने सोचा भी नहीं होगा इस बारे में उसको आज समझ में आएगा अपने बारे में, तो ये एक तो क्लियर हो गया। अब बात उन्होंने की है हाई क्लास सोसाइटी और लो क्लास सोसाइटी की, कहा बस इतना ही है कि रतन हाई क्लास सोसाइटी को नहीं अच्छे से कंफर्टेबल वहां बातचीत नहीं कर पाएगी, लेकिन लो क्लास सोसाइटी में ये जेल कर जाती है इसीलिए उन लोगों से बात करती है। उनका हाई क्लास सोसाइटी किसको कहना है या लो क्लास वो किसको कह रहे हैं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लो क्लास सोसाइटी जो कि विलेज को शायद ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मैं उन्हीं लोगों के साथ जेल करती हूँ, रही मैं यहाँ भी हूँ जो कि सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी है क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और इससे ज्यादा हाई क्लास सोसाइटी और किसी को नहीं माना जाता। ठीक है, तो इस हाई क्लास सोसाइटी में बहुत सारे छोटे छोटे गाँव से लोग मिल अपना बैग उठा कर आए, बड़े बन गए और आज वो सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी के मेन चमकते सितारे हैं। लेकिन जो मैं खुलापन देखी हूँ, जो मैं उनका थिंकिंग देखा है विलेजर्स का और अपने सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी का, वो बिल्कुल मैंने ऐसे उल्टा पाया है। मतलब हाई क्लास को यहाँ रखा गया है और लो क्लास को यहाँ, लेकिन मुझे लगा ये ग्लास मतलब ये थोड़ा ऐसे उलट देने वाली बात है। सुसाइड आप देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, हाई क्लास सोसाइटी में। लो क्लास में भैया लड़ लेंगे, पिट लेंगे, कैथारसिस कर लेंगे। खुलापन मैंने देखा है, मैं अगर मामा जी यहाँ शूट करती हूँ ना मुंबई में, 10 लोग ऐसे पलट कर एक बार देख ही लेते हैं। गांव में मैं कुछ भी शूट कर रही हूँ, हार्डली दे बॉदर, कुछ नहीं, उनको
उनको अपना वो ढोने से और काम करने से मतलब है, वेरी फोकस्ड पीपल. वो फोकस मुझे हाई क्लास सोसाइटी में नहीं दिखती, मतलब जो आपकी नजर में हाई क्लास सोसाइटी, मैं तो खैर मानती ही नहीं हूँ हाई क्लास सोसाइटी. हाई क्लास है क्या, हाई एंड लो कल्पना क्या है? आप काम से पहले बताइए जो भी चाहे उनसे पहले पूछिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई एंड व्हाट डू मीन बाय लो. पहली बात ये है. दूसरी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय हाई क्लास सोसाइटी एंड व्हाई डू यू मीन बाय लो क्लास सोसाइटी. इसको जरा डिफाइन तो कर लो, समझ लो, फिर बाद में बात करो कहो हाई है क्या. पर मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ. अगर मैं खुद को छोटा समझ रही हूँ और दूसरे को ऐसे देख रही हूँ तो मेरी ये थिंकिंग है कि वो हाई क्लास है, मैं लो क्लास हूँ. पर मैं फ्री हूँ, मुझे लगता है कि दे आर ये ऐसे हैं, तो मैं हाई हो गई, वो लो हो गई, ये क्या है? मुझे समझ पागल तो अपने को सबसे हाई समझता है, एक भी पागल नहीं है जो अपने प्राइम मिनिस्टर से कम समझता है. एग्जैक्टली, जितना मैं जानती हूँ मुझे लगता है जो कहते हैं कि हाई क्लास सोसाइटी में आप नहीं फिट होती हो. लेकिन मैं बताती हूँ. अच्छा, तो मैं चलिए उनसे पूछो कि हाई क्लास सोसाइटी है कौन सी चीज़. मैं जो लिखने वाले उनके भाषा में आपको बताती हूँ. हाई क्लास सोसाइटी हो गया जो बहुत दिखावा करते हैं, लाइक उनका नेल पेंट भी ब्लू होगा, शूज भी ब्लू होगा, पर्स भी एकदम एलवी का होगा, सनग्लास ब्रांडेड होगा, और वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे होंगे, या बात कर रहे होंगे तो उनमें स्टाइल होगा. सो कई बार ऐसे लोगों को हाई क्लास सोसाइटी कहते हैं, या फिर कोई बहुत से बहुत दूर है जो उनको हाई क्लास, या बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में पैसा है उनको हाई क्लास, या किसी के सरनेम में वो जुड़ा हुआ है टैग, वो हाई क्लास मानते हैं लोग. जो हाई क्लास सोसाइटी जो है उसकी जो खोज होती है वो नकली होती है, और पाते भी नकली ही चीज पाते हैं. जो दिखावा होता है वो दिखावे के चक्कर में रहते हैं. असल इतिहास का आदमी स्वास्थ्य खोजता है, शांति खोजता है. हाई क्लास का सोसाइटी शोबाजी खोता है, हमको और जाने, और हमको वो अपने को ही महान दिखाना चाहता है, बड़ी कोठी बनाता है. क्या आपको जुहू में कहाँ कहाँ हमको तो पता नहीं, इतना करोड़ों का बनाता है. हाँ. उसमें कितने चैन से सोता है, कौन है जो कि टैबलेट नहीं खाता, कौन है ड्रग नहीं लेता, कौन है कि दारू नहीं पीता है. मैं सुनिए, मुझे जो लगता है, मैं बताती हूँ अपनी भाषा में, मुझे जिसको आप सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और जिसको आप लो क्लास सोसाइटी बोल रहे हैं वो हाई क्लास सोसाइटी का नींव है. आप खुद सोचिए, वो अगर हिला, अगर विलेजर्स फार्मर्स हिले, हाई क्लास सोसाइटी चकनाचूर रैपर खोलेंगे, कुछ ना मिलने वाला, उनको सिर्फ रैपर खोलना आता है. तो ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किनको हाई क्लास सोसाइटी समझें और किनको लो क्लास. तो खैर मेरे डिक्शनरी में ऐसे है नहीं कुछ. आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो लाइफलाइन है लो सोसाइटी है, हाई सोसाइटी नहीं है. बिल्कुल, अगर आप स्पॉट को देखें, या आप कितने सारे पूरे टेक्निकल जो टीम टेक्नीशियंस होते हैं उसको आप क्या कहेंगे? अगर वो ना हो तो हाई क्लास सोसाइटी कहाँ से बनेगी? और टिकट आपका बिकेगा कहाँ से? कौन भाई, कौन टिकट लेता है? और पति आदमी टिकट खरीदता है कि रिक्शे वाला टिकट खरीदता है पिक्चर का? आपका सीरियल कौन देखता है? तो फैक्ट ये है कि ये तो हमको समझ ही नहीं आया कि हाई क्लास सोसाइटी होती क्या है. फैक्ट ये है कि विलेजर्स ज़्यादा बोल्ड होते हैं, ज़्यादा ओपन होते हैं, और उनका व्यक्ति सुदृढ़ होता है, और उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एक देश को. और हाई क्लास सोसाइटी का व्यक्ति तो खोखला होता है. थोड़ा पीछे चले जाएं तो हम ब्रिटिशर्स को हाई क्लास कहते थे और हम भारतीय को लो क्लास कहा जाता था. इस पर क्या ही बात किया जाए, मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता है. जहाँ पर आपका आप भ्रमित हो जिस मामले में, उसमें बहस करने से कुछ नहीं पाओगे, उसमें समझदारी से बहुत कुछ पाओगे. सो गाइस, सीरियसली, मैं समझदारी यही है कि मैं बता दूं कि मुझे समझ नहीं आता कि ये हाई क्लास सोसाइटी क्या है. मैं पटना बिहार से हूँ, मैं मुंबई के इंडस्ट्री में भी हूँ, मैंने हर वो लाइफ देखी है जिसको देखने की लोगों की तमन्ना होती है, और उस चीज़ से दूर रहकर भी देखा है, और उसमें इन्वॉल्व रहकर भी देखा है, और मुझे ऐसा कुछ हाई क्लास सोसाइटी जैसी चीज़ नहीं दिखी है. वही सारी चीज़ें यहाँ भी होती हैं जो छोटे छोटे घरों में होती हैं, बस यहाँ पर थोड़ा वही ब्रांडेड कपड़ों और ब्रांडेड बड़े बड़े कार्स के साथ होते हैं, और नॉर्मल फैमिली में छोटी चीज़ों के साथ होते हैं. अदरवाइज हाई क्लास सोसाइटी मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता.
हाँ, जहां तक बात करने का सवाल है कि मैं उनके साथ बात करूं या नहीं, फैक्ट यह है कि मैं रियल पीपल के साथ कनेक्ट करती हूँ। फेक पीपल का मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। आई फील मतलब कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मामा जी का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मामा जी, मैं बस क्लास ज्वाइन करने आती हूँ। मामा जी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे वीडियो से। मैं उनको बता दूं कि इज़ अ इंडियन साइकोलॉजिस्ट, और 3 साल से मैं मामा जी से इंडियन साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ और अभी अभी भी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, बहुत लोग इंडियन साइकोलॉजी के बारे में पूछते हैं, आज नहीं हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको इस बारे में लगता है कि थोड़ा बताना चाहिए। शॉर्ट में क्या विस्तार से बताया जा सकता है? मामा जी शॉर्ट में विस्तार से 3 साल से मुझे इंडियन साइकोलॉजी बता ही रहे हैं, तो सोच लो। तो मैंने मामा जी का सहारा लिया, सोचा कि मैं नहीं बिलीव करती हाई क्लास सोसाइटी और लो क्लास सोसाइटी को, तो शायद मामा जी का एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, तो वो मुझे बता सके कि हाई क्लास सोसाइटी होती क्या है। पर देखो, मामा जी को भी नहीं पता है कि हाई क्लास सोसाइटी क्या होती है, क्योंकि ये मन में होता है, विचारों में होता है हाई क्लास सोसाइटी की, हाई वो ऐसे हैं। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ जिसको ऑलरेडी हाई क्लास का तंगा दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होता है कि मैंने अपने इर्द गिर्द सब जगह देखा है कि यार रेंट देने का बहुत प्रॉब्लम है, अपने घर पे लाइफ जीना बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हाई क्लास, सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं हम, ये दिखाने के लिए ब्रांडेड कार लोन लेकर ले लेंगे, लोन लेकर अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सालों के लिए। सोचो कितना बर्डन, कितना बैगेज रहता है ये एक वर्ड का, हाई क्लास सोसाइटी। कुछ नहीं होता, इस वर्ड से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जिसके पास जितना है वो उतने में हाई क्लास लाइफ, एक क्लास लाइफ, फर्स्ट क्लास लाइफ जी सकता है, बशर्ते वो फील करे। और ऐसे जो लोग हैं ना, इक्का दुक्का हैं, इक्का दुक्का नहीं, इनकी भी परसेंटेज बहुत हाई है, जो ऐसा फील करवाते हैं कि अरे यार ये ना इस कार से उतरती है, ये ना हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते। अब एक गधे, कार से हाई क्लास लो क्लास नहीं होता, मेंटालिटी से होता है कि वो क्या सोचता है, वो क्या कंट्रीब्यूट करता है इस अपने सोसाइटी को, या वो क्या सोच रखता है आगे बढ़ने को, खुद की लाइफ को। जो मेरी नज़र में जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ओपन माइंडेड है, या लाइफ में, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, अपने रास्ते पर फोकस चल रहा है, हाई क्लास है यार, और क्या चाहिए। मैंने अब तक जितना भी विलेज लाइफ एक्सप्लोर किया है, उनसे ज़्यादा हाई क्लास कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत बोल्ड हैं, बहुत ओपन हैं, अपने मतलब से, अपने काम से काम रखते हैं, और उनको हाई क्लास दिखने के लिए कुछ फेक नहीं करना पड़ता, वो ओरिजिनल है। सो फॉर मी ओरिजिनल ही हाई क्लास है, ओरिजिनलिटी हाई क्लास है। अगर फेक सब कुछ कर लिया और कहा कि आई एम ब्यूटीफुल, अरे यार इससे अच्छा है कि आप जैसे थे वो मेरे लिए ब्यूटीफुल है। अब आपने कुछ फेक कर दिया, वो तो ठीक है, मतलब वो भी है, वो कह सकते हैं ये डॉक्टर का आर्ट है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आप समझ जाओ कि जो जैसा है वैसे में ही अगर है वो मेरे लिए ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वही हाई क्लास भी है। व्हाट इज़ हाई क्लास अगेन गाइस, मुझे नहीं पता ये हाई क्लास क्या होता है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे बात करनी है, मैं क्यों ये बात कर रही हूँ कि इस पे प्लीज़ बात करो, बिकॉज बहुत सारी यंगस्टर्स अभी भी इंडस्ट्री में आए हैं या आ रहे हैं, वो इस प्रेशर से अपने साथ बहुत गलत कर देते हैं। कई बार सुसाइड भी इसी चक्कर में होती है, पैसे नहीं है पर पार्टी करना है, थ्रो क्यों, क्योंकि मीडिया को दिखाना है कि मैं हाई क्लास सोसाइटी से हूँ। घर पर भले ही किराए देने को पैसा नहीं है, बड़े बड़े होटल बुक करते हैं। यार मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ से यहाँ और यहाँ से सीधा यहाँ और गायब होते हुए देखा है। सो प्लीज़ गाइज, एक तो ऐसा जब आप कुछ लिखते हो ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, आप जो लिख रहे हो किसी पर बहुत असर पड़ सकता है। हर कोई रतन नहीं होता, हर कोई रतन राजपूत नहीं है जिसको इन चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ यार, उन सब चीज़ों को समझना चाह रही हूँ। यही बात अगर शायद आज से 15 साल पहले कही जाती तो मैं थोड़ा ऐसे शेल में चली जाती। डोंट डू दैट,
आप खुद सोचो आप जो कर रहे हो उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं, कल बातचीत करेंगे। आज क्या है ना कि आज पूरे दिन व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि अगेन वही कह रही हूँ कि मामा जी को आप देख रहे हैं कि पढ़ाने में ऐसे मतलब खो गए हैं कि मुझे कुछ और भी करना है ये उनको याद नहीं रहता, तो मैं भी उन्हीं के साथ खोई हुई हूँ पढ़ाई में। और ये टॉपिक इसलिए मैंने आज उठाया क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल देख रही थी, इतने सारे हमारे 8th ग्रेड सुसाइड, मतलब बहुत बहुत अजीबोगरीब दिल दहलाने वाले न्यूज़ मैंने देखे। मैंने कहा कि नहीं यार, जिन बातों को हम हंसी में उड़ा देते हैं वो बात किसी ना किसी के लिए सीरियस हो सकती है, तो क्यों ना इस पर बात करें। और हो सकता है अनजाने में किसी को ये बात परेशान कर रही हो और हम ये हमारी जो बात है वो उसको हेल्प कर दे, उसको थोड़ा शांत कर दे, है ना। चलो कल मिलते हैं। राम राम, जय भारत। हाई क्लास, लो क्लास।